गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। पिछले वीडियो में अपने विश्व की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था, इसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, उनको मैं 8 भागों में बांट करके विस्तृत उसका अध्ययन किया था। आज भारत में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार छोटे प्रश्नों में भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछ लिया जाता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का चिर सम्मत वर्गीकरण सर्वप्रथम HG चैंपियन ने 1936 में प्रस्तुत किया, जिन्होंने 116 प्रकार बताए। इसका विस्तृत अध्ययन GS पुरी ने किया। वनों का अध्ययन सामान्यतः वर्षा, तापमान, आर्द्रता, धूलकण आदि के संदर्भ में किया जाता है, जबकि यूरोपीय देशों में है, परंतु भारत में यह अध्ययन वस्तुतः मिट्टी वर्ग एवं वर्षा पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से भारत के वन क्षेत्रों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि भारत में मिट्टी और वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम फर्स्ट प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्रतिवर्ष 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे वन वर्ष भर पत्ती नहीं गिराते हैं, क्योंकि उन्हें जल की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती रहती है। इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप, पूर्वी राज्य, तराई का दक्षिणी क्षेत्र आदि आते हैं। इस प्रकार के वनों में तुर, रबर, महोगनी, आबनुस, बांस, सिनकोना, रोजवुड, नाहर गुर्जर एवं तालसर आदि सम्मिलित हैं। दूसरे प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन व मानसूनी वन, जो एक विशेष ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं जहां 100 से 200 सेमी वर्षा होती है। सामान्यतः भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसी प्रकार के वन हैं। ये वन भाबर, तराई, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मिलते हैं। इनमें नीम, पीपल, आम, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष सम्मिलित हैं। ये सभी वृक्ष वर्ष में एक बार पत्ती गिराते हैं, जिनका प्रमुख कारण उसको जड़ों में पानी का अभाव होता है, इसलिए मार्च के महीने में पतझड़ प्रारंभ हो जाता है। भारत में तीसरे प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। यह एक प्रकार का घास वाला क्षेत्र है जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेमी वर्षा होती है। सामान्यतः इस प्रकार के वनों में वृक्षों के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली घास से रस्सियाँ तैयार की जाती है, एक प्रकार की मूंज तैयार की जाती है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश का मथुरा, आगरा, महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र का सोलन प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है। इन वनों में मुख्यतः वृक्ष शीशम, बबूल, किक्कर, चंदन, सिरस, आम, महुआ प्रमुख हैं। चौथे प्रकार की वनस्पति है मरुस्थलीय वनस्पति या शुष्क वनस्पति। ये रेगिस्तान में अधिकतर पाई जाती है। इस प्रकार के वन क्षेत्र भारत के उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 50 सेमी से कम होती है। इन क्षेत्रों में राजस्थान का पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा के शुष्क प्रदेश सम्मिलित हैं। इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषताएँ लंबी जड़ें, कांटेदार पत्ती, चौड़ी व एक प्रकार से खुरदरी एवं मोटी छाल होती है। अब इस चित्र के माध्यम से हम इन वनों को देख सकते हैं। 7 प्रकार की वनस्पति इसमें दर्शाई गई है। पांचवा है दलदली वन या ज्वारीय वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जहां पर नदियां अपना पानी समुद्र में गिराती है और अंत में डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टाई क्षेत्र में दलदली या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। सामान्यतः यह संपूर्ण क्षेत्र दलदली होता है। सामान्यतः 100 से 150 फीट ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित सुंदरवन न केवल भारत का वर्ण विश्व का सबसे बड़ा दलदली वन क्षेत्र है। इसमें पाई जाने वाली वनस्पति 75% वृक्ष सुंदरी नामक वृक्ष के हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पासर नामक वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मैग्रोव या दलदली या डेल्टाई वन भी कहते हैं। फिर है पर्वतीय वन।
पर्वतीय वन भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक हिमालय पर्वतीय वन और एक प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। पहला है हिमालय पर्वतीय वन। 2400 किलोमीटर लंबे हिमालय क्षेत्र में, यानी कि हिमालय की लंबाई यानी पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, 2400 किलोमीटर है। ऊंचाई औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई जो नेपाल में स्थित है एवरेस्ट और अपने कंचनजंगा। लंबे 2400 किलोमीटर लंबे हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार वर्षा एवं मिट्टी की भिन्नता के माध्यम विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली वर्षा की मात्रा अधिक है, इसलिए वनस्पति के आधार पर पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में भिन्नता है। पूर्वी हिमालय में विशेषकर प्रकार के पेड़ ऊंचाइयों के आधार पर भिन्नता दर्शाते हैं। 12000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाने वाली वनस्पति तराई के वन कहलाती है। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन की पट्टी पाई जाती है, इसमें सिल्वर व फर यू के वृक्ष नामक हैं। 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन नामक वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में भी ऊंचाई के अनुसार क्षेत्रीय वितरण मिलता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर झाड़ियां पाई जाती है। ज्योग्राफी मैम है क्या? झाड़ियां पाई जाती हैं। 2000 से